निरसा में आयोजित भाजपा विधानसभा स्तरीय बैठक हुई संपन्न। भारतीय जनता पार्टी निरसा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी पंचायत के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक मनु तिवारी के आवासीय कार्यालय पर संपन्न हुई, जहां इस बैठक को संबोधित करते हुए सूची वक्ताओं ने अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी के द्वारा ढुल्लू महतो को प्रत्याशी घोषित करते ही निरसा विधानसभा पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक वर्ग के लोगों में उत्साह देखी जा रही है। लोग आशा भरी निगाहों से ढुल्लू महतो को देख रहे हैं। वहीं आज की इस बैठक में उपस्थित भाजपा नेता मधुरेंद्र गोस्वामी ने बताया कि लोग चाहते हैं कि ढुल्लू महतो धनबाद का प्रतिनिधित्व करें एवं यहां पर जो समस्याएं हैं, चाहे वह पेयजल की हो, रोजगार की हो, सड़क जाम की हो, ट्रेन की हो, ऐसी समस्याओं का समाधान ढुल्लू महतो आने वाले समय में करें। वहीं उन्होंने कहा कि निरसा विधानसभा में भाजपा का रिकॉर्ड हमेशा भाजपा ही तोड़ी है और इस बार भी लोकसभा चुनाव में ढुल्लू महतो को 2 लाख से ज्यादा मतों से जिताकर फिर से रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे। जहां इस बैठक में मुख्य रूप से मुन्नू तिवारी, मधुरेंद्र गोस्वामी, नाडू गोपाल चक्रवर्ती, अमर लोहार, कृष्ण नंदन रमानी, अशोक गुप्ता, बापी चक्रवर्ती, साधना सिंह, हसन अंसारी, निमिता मिश्रा, रीता दत्ता, धीरज मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। धनबाद निरसा से मंजीत तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, धनबाद लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जैसे ही बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो जी को शीर्ष नेतृत्व ने घोषित किया है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में गजब का उत्साह का वातावरण है। निरसा विधानसभा में भी क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं में और साथ ही साथ समर्थकों में, समाज सेवियों में, जनप्रतिनिधियों में भी ढुल्लू महतो जी के प्रति जबरदस्त का क्रेज है और सभी लोग ढुल्लू महतो जी को सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एवं पुराने कार्यकर्ता जो शायद आज दायित्व में नहीं है, लेकिन वैसे कार्यकर्ता भी जो ढुल्लू महतो जी को सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, वैसे लोगों का आज यहाँ पर निमंत्रण देकर के मनु तिवारी जी के आवासीय कार्यालय पर बुलाया गया था और हम सभी ने मिलकर के यह निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो रिकॉर्ड बनाती है वो रिकॉर्ड को भारतीय जनता पार्टी ही तोड़ती है। हर बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मत बढ़ता है, जिसमें निरसा विधानसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस बार भी निरसा विधानसभा के कार्यकर्ता 2 लाख मतों से 2 लाख मत का हम लोगों ने टारगेट तय किया है कि निरसा विधानसभा से 2 लाख मत आदरणीय ढुल्लू महतो जी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोग दिलाने का काम करेंगे। उसी का संकल्प हम सभी कार्यकर्ताओं ने आज लिया है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।